आकाश भूमि न्यूज राष्ट्रीय समाचार पत्र व वेब न्यूज चैनल निडर पत्रकारिता की एक अनोखी झलक। नमस्कार, आकाश भूमि न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं दीपक मिश्रा। इस समय हम मौजूद हैं ऐसे महान विभूति के साथ जिनको लगभग लगभग पूरा जनपद जानता है और हो सकता है कुछ लोग न भी जानते हों, क्योंकि वो कहीं ना कहीं समाज से कटे हुए होंगे या समाज से जुड़े हुए नहीं होंगे। सीधी सी बात है कि जहां आज के दौर में किताबों से लोगों ने किनारा कर लिया है, पुस्तक ऐसा साथी जिसने लोगों को महान बनाया, जिसने लोगों को दुनिया में अलग पहचान दिलाई। आज सोशल मीडिया के युग में भटकाव की स्थिति ज्यादा है, किताबें दोस्त कम रह गई हैं, और जिनकी किताबें दोस्त हैं, जिनकी किताबों से मित्रता है, या जो आज भी पुस्तकों की पूजा करते हैं, उन्होंने इतिहास रचने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है। चाहे वो आईएएस बनने का सफर रहा हो या बड़े से बड़े पद पर पहुंचने का एक सफर रहा हो। आइए जानते हैं कि ऐसी ही महान विभूति हमारे साथ हैं जिन्होंने अपनी कलम के बलबूते न जाने कितना इतिहास रचा। अपना नाम बताएं एक बार, जनता जानना चाहती है जनपद भदोही। मैं डॉक्टर कृष्णा अवतार त्रिपाठी राही इसी जनपद के गांव कुड़ी खुर्द का रहने वाला हूँ। स्थायी निवासी ज्ञानपुर में आवास बना करके यहाँ रहता हूँ। कब से रह रहे हैं यहाँ पर? मैं नौकरी छोड़कर 1985 में मुंबई से यहाँ आया और तब से लगातार ज्ञानपुर में ही रहा। मुंबई में क्या, किस तरह की नौकरी क्या करते हैं? मुंबई में हम टाइम्स ऑफ इंडिया में रहे, माधुरी में रहे। यानी आप पत्रकार भी रहे? हाँ, पत्रकार भी रहे। आज भी आप पत्रकारिता करते हैं? आज भी पत्रकारिता से उतना ही लगाव है। आप लोगों की तरफ सक्रियता तो नहीं है, पर वो नए लोगों के लिए मार्गदर्शन देना भी है और उनसे कुछ न कुछ नई तकनीक के बारे में जानना भी है। लेकिन जितना आप लोगों ने लिखा है, जितना आप लोगों ने समाज को पढ़ा है, जितना समाज के बारे में जाना है, क्या कहना चाहेंगे तब के समाज में और अब के समाज में किस तरह के परिवर्तन आए? तब के समाज में और अब के समाज में बहुत, हमारे देखते, मैं 76वां पूरा कर रहा हूँ लगभग, तो बहुत बदल गया। अब वो पुरानी वाली जो रहन सहन की व्यवस्था थी वो बदली, बहुत लोगों का जीवन मॉडिफाइड हुआ, तमाम संस्कार बदल गए, तमाम पारिवारिक वातावरण बदल गए, लोग एक सीमा में कोठरी में कैद हो गए। पहले आदमी समाज की पीड़ा को अपनी पीड़ा समझता था, अब तो लोग परिवार तक को भूलते जा रहे हैं और अपने आप में केंद्रित हो गए, सीमित हो गए हैं। ये चीज़ें बहुत खटकती हैं और ये ऐसा लगता है कि जितना ही हम खुद को अपने को समाज से अलग करेंगे, उतने ही खुद पीड़ित होंगे और समाज को भी कुछ दे नहीं पाएंगे। एक बड़ी बात, सोशल मीडिया का युग आ गया। सोशल मीडिया में अक्सर देखा जाता है कि लोग भटकाव की तरफ बढ़ते हैं, क्योंकि आप एक टॉपिक पे जा रहे हैं तब तक दूसरा टॉपिक आपको आकर के टच कर जाता है और आप उस पर भटक जाते हैं। किताबों का क्या रोल रहा है? किताबों का बहुत बड़ा रोल है। मैंने अभी पिछले वर्ष ही निवेदन किया था गार्जियंस से कि बच्चों को किताबें पढ़ाइए और मोबाइल से दूर रखिए। और मेरे बच्चों से पूछ सकते हैं, मैं अब भी रात को 2 बजे 1:30 बजे कोई संदर्भ खोजता हूँ, नहीं मिलता तो किताबें ढूंढता हूँ, न कि इंटरनेट या वो ये सब चीज़ें। इंटरनेट पर एक कंपोज शुदा सीमित जानकारियाँ हैं, मैं नहीं कह सकता कि उसमें सारा विश्व है, लेकिन किताबों में सारा विश्व केंद्रित है। आप कुछ किसी विषय पर उससे एक चीज़ खोजने लगेंगे तो 10 चीज़ें और मिलती जाएंगी जिनका सब, और इंटरनेट पर जो आप बोलेंगे तब वो दिखाएगा। ये अंतर है किताबों में। किताबों में पूर्ण जो ज्ञान कोश है वो इंटरनेट पर। ये कहा जाए कि ध्यान केंद्रित करने का सबसे अच्छा तरीका किताबें हैं तो कितना ये सबसे अच्छा? बिल्कुल, बहुत सही सवाल का स्वतः जवाब है आपका कि ध्यान केंद्रित करने का सबसे अच्छा। आपको बताएं, पुरखे कहते थे, हमारे दादा कहते थे कि जब कोई कहे कि नींद नहीं आती, कह रहे रामायण रामायण कुछ खोल लो, पढ़ते रहो, अपने आप ही नींद आ जाएगी। तो उस समय तो लगता था, लोग उसको मजाक के लहजे में लेते थे कि अच्छी नींद, अच्छी किताब, अच्छी चीज़ें पढ़ोगे, धर्म ग्रंथ पढ़ोगे तो उसमें मन नहीं लगेगा, नींद लगेगी। लेकिन अब जब हम बड़े हुए और इस पर चिंतन किए तो लगा कि नहीं, पढ़ने पर जब ध्यान केंद्रित होता है तब भी नींद आ जाती। आपने इतने सारे लेख लिखे, कहाँ कौन से लेख लिखे? और आपने एक बात बताई जब हम आए थे कि आपका जन्म कोलकाता में हुआ। हमारा जन्म कोलकाता में, हुगली जनपद है बंगाल में। हुगली जनपद का एक छोटा सा शहर है चंदन नगर। मैं आज़ादी के पहले वो फ्रांसीसियों की स्टेट थी,
मेरे दादा वहीं बगल के भद्रेश्वर में जूट मिल में सर्विस करते थे, फिर वहीं हमारे पिताजी भी नौकरी किए। तो इत्तेफाक से तीन भाई एक बहन में मेरा ही जन्म वहाँ हुआ चंदन नगर में। तो अगर मान लीजिए अब मैं पराधीन काल में, मेरा तो 47 में अक्टूबर में हुआ, लेकिन अगर उससे पहले भी होता तो वो फ्रांसीसियों की स्टेट रहती, न तो अंग्रेजों की न भारत की, अंग्रेजों के शासन की न उनके। लेकिन संयोग से आज़ादी के बाद 15 अगस्त को आज़ाद हुआ और 10 अक्टूबर को मैं पैदा हुआ वहाँ पर। तो मेरी प्रारंभिक शुरुआत की शिक्षा भी वहीं हुई, इसके कारण मेरी पढ़ाई में काफ़ी बाधा आई। यहाँ आने पर 7-8 साल का हो गया तब स्कूल गया। और तो चूंकि आपका जन्म को पश्चिम बंगाल यानी कोलकाता में हुआ, उस समय आज़ादी की लड़ाई के बाद हुआ, जब आप थोड़ा बड़े हुए होंगे, जानकार हुए होंगे, कुछ जानने लायक हुए होंगे, तो देश को आज़ादी मिले कुछ ही समय हुआ होगा, कुछ चीज़ें आपने ऐसी देखी होंगी जो आज़ादी से जुड़ी रही होंगी, उसके बारे में कुछ बताएंगे? बहुत सारी चीज़ें देखा मैंने आज़ादी से जुड़ी हुई चीज़ें। आज़ादी से जुड़ी हुई चीज़ें ये देखा कि उस समय हमारे पिताजी के एक चचेरे भाई थे और वो उनको रोग मेजर साहब प्यार से कहते थे, पर वो उसमें मोटर व्हीकल डिपार्टमेंट में थे और वो वहीं के बदलू का पूरा एक गांव है हमारे गांव से 2 किलोमीटर आगे छछुआ बुर्रा के पास, वहीं के रहने वाले थे। पिताजी के बुआ के लड़के थे, वो उस आज़ादी की लड़ाई में उस फौज में शामिल होकर के और नेताजी के आवाहन पर शामिल, उन्होंने आज़ाद हिंद फौज में भी आज़ाद हिंद फौज में भी काम किया था। ये सब हमने सुना है। हमारे ही जिले के छछुआ के थे कैप्टन रहे जो देखिए अमर बहादुर सिंह, वो आज़ाद हिंद फौज में गए, INA में हिंदुस्तान में अंग्रेज सेना में रहे, फिर नेताजी के साथ। एक बड़ा सवाल ये है कि भदोही जनपद देखा जाए तो अन्य जनपदों की अपेक्षा शिक्षा के मामले में काफी पीछे रहा है, जिस स्तर तक जाना चाहिए था उस स्तर तक नहीं पहुंचा। हाँ, सही बात। ये तो उसके लिए आज के दौर में पुस्तकें किस तरह से मददगार हो सकती हैं, किस तरह से वो अध्ययन करें, एकांतवास या ये सारी चीजें अक्सर कही जाती हैं, क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? ये आपने बिल्कुल सही कहा कि हम तो शिक्षा हमारी इलाहाबाद जनपद में, इलाहाबाद शहर में, सिरसा में हमने हाई स्कूल इंटरमीडिएट किया और तब भी हम यह अनुभव करते थे कि हमारा भदोही इन क्षेत्रों की अपेक्षा शिक्षा के क्षेत्र में काफ़ी पीछे है। उसका कारण एक और ये कारपेट का जो व्यवसाय है ये भी हो सकता है, इसने भी काफ़ी पीछे छोड़ा, लोग रोजी रोटी के उसमें कारपेट से लग गए और खेती बाड़ी भी कमज़ोर होने के नाते अधिकतम यहाँ के लोग मुंबई, कलकत्ता, दिल्ली बाहर जा कर के बस गए, उससे भी शिक्षा पिछड़ी। लेकिन शिक्षा के क्षेत्र, अभी आपने एक अच्छा सवाल किया कि किताबों का क्या रोल है, तो मैं कहता हूँ कि आज भी अब भी यह देख लीजिए प्रैक्टिकल कि मोबाइल की जो शिक्षा है इंटरनेट की, वो किताबें जहाँ आपको ले जा सकती हैं वहाँ ये कभी नहीं पहुँचा सकेंगी, क्योंकि इसमें एक सामग्री अगर आपके किसी काम की आएगी तो 10 सामग्री निगेटिव अप्रोच की भरी पड़ी है और उस रातों दिन लड़के अगर उसी पर निगाह लगाए हैं, आंखें भी खराब होती हैं, चिंतन भी बिगड़ता है। मैं तो समझता हूँ किताबें भी आज भी शिक्षा जगत में सर्वश्रेष्ठ माध्यम है, कंसंट्रेशन के लिए, ज्ञान के लिए और एक तरह से क्या कहा जाए कि शिक्षा की अभिरुचि जागृत करने के लिए लगातार जो कंटिन्यूअस होना चाहिए वो काम। एक और बड़ा सवाल आपसे कि आप वहां से आने के बाद, आपने बताया कि 1985 से आप जुड़े हुए हैं वकालत पेशे में भी, और वहां भी आपकी ये जो कविता शैली है, जो एक अच्छे वक्ता की जो शैली है उसको पसंद किया जाता है न्यायालय क्षेत्र में भी, और पीछे हमारे हम दिखाना चाहेंगे, कैमरामैन से कहेंगे दिखाइए जरा कि तमाम किताबें रखी हुई हैं, चाहे वो उत्तर प्रदेश से संबंधित हो, चाहे वो भारत के अलग अलग राज्यों से संबंधित हो, या वकालत पेशे से दंड संहिता वगैरह। तो ये किताबों का जो संकलन है, ये किस तरह का शौक आपका रहा और ये किस तरह से ज्ञानवर्धक रहा? बचपन से ही मेरी माँ जो थी वो एक ऐसे परिवार से थी कि वो हमारे नाना का परिवार पढ़ा लिखा था। हमारे नाना जी स्वतः वहाँ बड़ौदा में राजा साहब के यहाँ किसी पद पर रहे, शायद रिसालदार मेजर ऐसा कुछ कहते थे उनको, जो भी हो कहते हो, तो बेल्जियम ट्रेनिंग लेने भी गए थे, जो भी हो। लेकिन उनसे माता जी को जो मिला और माता जी से जो हमें मिला उसमें किताबों का अहम रोल है। आज भी
नाना जी के ज़माने की कुछ किताबें मेरे पास 2001 तक या कहें कि 1997 से 2001 के बीच कुछ खिलत मिलत हो गई मकान बनाने में, बकाया वो किताबें आज भी थी। और उन्हीं सब चीज़ों ने माता जी का भजन कराना, बचपन से ही माता जी द्वारा छोटी मोटी किताबें प्रदत्त कराना, पढ़ाना, उंगली पकड़ कर जमीन पर लिखवाना, ये सब हम ये मान लें कि जो परिवार होते हैं उसमें माता पिता का इतना अहम योगदान होता है, सबसे बड़ी पार्ट वो निर्धारित कर सकते हैं कि उनके बच्चे का भविष्य क्या होगा। बिल्कुल गार्जियन गार्जियन ही ये माता पिता उनसे बड़ा गार्जियन उनसे बड़ी कोई पाठशाला। एक चीज और दिखाना चाहेंगे हम थोड़ा सा, ठीक है, चूंकि आपने ये जो संकलन कर रखा है, कई आपने ये शिलापट लगाए हुए हैं, इस पे आपने कविताएं लिखी हैं, तो एक आपने मातृ स्मृति लिखी है, उसके बाद फिर एक चिट्ठी, हे माँ तुझको सत सत प्रणाम, ममता का अमृतत्व। अच्छा, कुछ एक एक लाइन में मुझे बताइएगा ये मातृ स्मृति का क्या मतलब। एक माता जी का स्मरण, माता जी की स्मृति में ऐसा है, 1965 में अचानक उनकी हृदय गति रुक जाने से मृत्यु हुई। उस समय मैं कक्षा 10 में प्रवेश कर चुका था, तो पढ़ाई लिखाई अचानक बाधित हुई, और जो उसका उनसे जो सदमा लगा, तो पहले मैं गद्य में बहुत लिखता था उनके बारे में, वो धीरे वो पांडुलिपि ये, 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 ये कहा जाए नहीं रह गई। अगर ये कहा जाए जब कि आपका जो माता का जो आपके लिए प्रेम था, जो आपने उसको अनुभव किया, और उनके न रहने पर जो अंदर से एक वेदना जागी, ये उसका वो उसका प्रतिफल है। 1975 में अचानक एक हमारे शिक्षक रहे, वो एक दिन मुलाकात हो गई, माता जी की चर्चा हुई, तो उन्होंने कहा कि कुछ कविताएं माता, मैं कक्षा 7 से कविता लिख रहा था, कक्षा 7 में पढ़ता था, मेरे इतिहास की किताब चोरी हुई, मेरे एक मित्र ही उस चोरी में पकड़े गए, उससे बहुत आघात लगा और पहली कविता ने वहीं जन्म लिया, तब से मैं लिखता था। तो उन्होंने कहा कि माता जी पर लिख रहे हो, बड़ा आघात लगा। हमने वही दिखाया जो लिखता था, कैसे मैं गया कॉलेज और आए तो ऐसे हो गया था ये वो। तो उन्होंने उनकी प्रेरणा से मैंने शुरू किया, तो पहली कविता वो 21 जुलाई 1975 को उनकी जो 10वीं पुण्यतिथि थी उस पर लिखा कि जन्म देकर तूने निजबोध किया लालन पालन भरपूर, पढ़ाया और लिखाया नित्य नयन से कभी न रखा दूरी। पूरी लंबी कविता आपके सामने है, इसको लिखा, फिर उसके अगले साल भी एक लिखा, और 1977 में जब वहाँ चला गया नौकरी पे, तो वहाँ रक्षाबंधन के समय परिवार का कोई नहीं था, अकेला तनहा। सुंदर लाइनें आपने लिखी हैं उस समय, तेरा पावन आशीष स्वर्ग से तुझको मुझको सुंदर काम मिला, नौकरी मिली विश्राम मिला, ऊपर से राही नाम मिला, यानी जो आपका टाइटल है वो मिला। वो उसी समय जोर पकड़ा राही नाम, एक तो प्रिंसिपल साहब थे कलकत्ते में, उन्होंने ही रख दिया था, घुमक्कड़ बहुत था मैं, तो इसलिए तो समाज का अनुभव मिलने के बाद ही ये चीजें संभव हो पाती हैं। समाज का अनुभव लेना होगा तो, और कहीं ना कहीं मोबाइल से ये चिट्ठी जो है ना, रक्षाबंधन पर बहन के पास तक न पहुंचने की पीड़ा से उपजी, इसको लिखा और मैंने घर भेज दिया। हमारे चाचा जी ने इसको अलमारी में रख दिया था, ये अचानक कुछ दिनों बाद मुझे मिल गई, तो मैं यहाँ ले आ रहा, जो संगमरमर पर कुछ कविताएं मैंने माता जी पर लिखी हुई कविताएं संगमरमर पर लिखवाने लगा, तो मेरे एक मित्र ने कहा भैया ये चिट्ठी भी छपवा। ये चिट्ठियां तो लगभग गायब हो गई, इनका एक अलग आनंद रहता था, क्योंकि चिट्ठी चलती थी, पहुंचने में समय लगता था, और जब चिट्ठी मिलती थी तो उसको खोलने और पढ़ने में जो एक अंदर से एक कौतूहल आता था कि कितनी जल्दी हम उसको पढ़ लें, क्या लिखा है इसमें, घर वालों को इंटरेस्ट अब कहीं ना कहीं वो खत्म हो गया। मुंबई से कुछ दिनों बाद मैं आया जब वापस, तो उस समय किसी एक चीज और हम दिखाना चाहेंगे, थोड़ा सा आप आए हमारे साथ, देखिए ये पूरा हॉल है, इसी तरह से सजा हुआ है, और अंदर आए जरा, एक ये आपका कमरा है, और यहाँ भी साहित्य से संबंधित काफी सारी पुस्तकें हैं, ये दिखाना चाहेंगे कि कैमरामैन दिखाए जरा, ये देखिए पुस्तकों का संकलन, मतलब इतनी पुस्तकें हैं कि अगर कोई पढ़ना चाहे तो वो जज भी बन सकता है, आईएएस भी बन सकता है, तो पुस्तकें खरीदने का, पुस्तकें संकलन का जो एक होता है जुनून, वो आपके अंदर रहा है, और आने वाली पीढ़ी को आप ये संदेश, मुझे लग रहा है जो अभी आपने कहा, देना चाहेंगे कि पुस्तकों से जुड़ाव रखिए अगर सफलता पाना चाहते हैं। मैं तो बच्चों से भी यही कहता हूँ भाई कि घर से यहाँ तक अब तक जो मेरे पास हैं
वो पुस्तकों का ही संसार है हमारा। लगभग 3,500 माने स्तरीय पुस्तकें हिंदी की हैं हमारे पास लाइब्रेरी हैं। तो कुछ और अभी थोड़ी देर पहले आपने एक चीज़ और बताई थी कि पश्चिम बंगाल में जो पाठ्यक्रम है बच्चों का, वहाँ में भी आपका आपके लेख जो है आपने जो लेख भी पढ़ाए जाते हैं वहाँ के पाठ्यक्रमों में। मेरे ख्याल से 4-5 कक्षाओं में मेरे लेख भी हैं, कविता भी लगी हुई है, और वर्ष 2004 से वहाँ पढ़ाया जाता है। ये भदोही के लिए कहीं ना कहीं गौरव की बात है। पुरस्कार भी मिले हैं, वो भी हम दिखाना चाहेंगे। एक मिनट आइए जरा, ये अलग अलग जो पुरस्कार रखे गए हैं वहाँ ऊपर भी रखे हैं, यहाँ भी रखे हैं, कितनी संतुष्टि आपको होती है अपने जीवन काल में जो ये पुरस्कार आपको मिले? ये तो जब पुरस्कृत करने वाली संस्थाएं उस योग्य समझती हैं कि इन्हें इनके सम्मान में इस तरह की कुछ व्यवस्था की जाए, तो यह आभास स्वतः को भी होता है कि इस संस्था ने मुझे इस योग्य समझा, और इसमें मेरे पुरखों का, मेरे बुजुर्गों का, मेरे समाज का और आप जैसे सुहृद लोगों का आशीर्वाद भी बहुत काम आता है उसी बलबूते पर। एक सवाल और है कि चूंकि आपने जो इतना ज्ञान अर्जन किया है, कहीं ना कहीं भावी पीढ़ी के लिए आप एक पथ प्रदर्शक हो सकते हैं। मैं तो कहता और अगर आपको बुलाया जाता है कहीं, क्या कहना चाहेंगे आप? समय आपका कैसे मिलेगा लोगों को? मैं 2 साल पहले की बात है, जब कोरोना लगा और कार्यक्रम सस्पेंड हुए कवि सम्मेलनों के, साहित्यिक अनुष्ठानों के, तो मेरे दूसरे लड़के जयप्रकाश त्रिपाठी ने एक दिन कहा, उन्होंने कहा कि यार मौसम जो है कोरोना ने काफ़ी अलाभकारी हो गया, तो उन्होंने कहा कि अरे 74-75 की उम्र में आज भी आप लोग, आपको लोग याद करते हैं, इस उम्र तक तो आदमी चुक जाता है, ये बहुत बड़ी चीज़ है हम लोगों के लिए, आपके लिए पैसे की कोई जरूरत नहीं, आपने इतना सम्मान कमा दिया है वो हम लोगों के लिए बहुत बड़ी पूंजी है। हमने कहा चलो ऐसा महसूस करते हुए, अमूमन तो आजकल लोग सोचते हैं कि गार्जियन ही सब कुछ बना कर जाए, हमारे पौत्र हैं भक्ति प्रकाश, तो एक दिन ऐसे कहने लगे कि दादा आपने मुझे, हम लोगों को बैंक बैलेंस दिया हो या न दिया हो, इतनी समृद्ध लाइब्रेरी छोड़ करके जाएंगे, अगर इनमें से भी 2-5-10 किताबों की बात हम लोगों के पल्ले पड़ गई तो हम लोग जीवन जी लेंगे। नहीं, एक चीज़ हम ये कहना चाहेंगे कि तमाम अधिकारी जो है और बुद्धिजीवी इस खबर को देखते हैं, अगर कहीं कार्यक्रम होता है, चाहे वो सार्वजनिक कार्यक्रम हो, स्कूलों के कार्यक्रम हो या अधिकारियों के कार्यक्रम हो, उसमें अगर आपको बुलाया जाता है तो आप अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के लिए किस तरह से? मैं अवश्य किसी भी बुलावे को मैं बहुत सम्मान देता हूँ और अपना अहोभाग्य समझता हूँ, इसलिए मैंने बल्कि कहा भी कि जो बहुत बनते हैं उनके पास से चाह होती है कि कब कैसे टले, और जो मिले दिल खोल कर उनके यहाँ चाहता है जी की सर के बल चले। किसी का बुलावा किसी किसी अनहोनी के कारण कभी रुक जाए तो नहीं, मैं रुकता नहीं, और ईश्वर ने मुझे इस उम्र में कोई आज की जो बीमारियाँ हैं आम प्रचलन में, शुगर, ये ब्लड प्रेशर, ये सब इन सब चीज़ों से अभी तक बचा के रखा है, और जितना पौरुष है उतना करता हूँ, उतना दौड़ता हूँ मैं, न कोई 4 चक्का का कोई वाहन है न उसकी कभी अपेक्षा है, मैंने कभी भी महलों में का ख्वाब नहीं देखा, और मोटर बंगला कार की बहुत उम्मीद नहीं रखी, सामान रहने का सामान्य आवास और सामान। मेरी माँ कहती थी कि बेटा कभी बहुत बड़े आदमी बनना चाहे न बनना, लेकिन भले आदमी रहोगे तो बड़े आदमियों का साथ मिल जाएगा। मैंने उनकी इस हिदायत को बिल्कुल अंगीकार किया और आज उसका प्रतिफल मुझे अब भी मिलता है, चाहे किसी क्षेत्र में हो, न्याय के क्षेत्र में हो, प्रशासन के क्षेत्र में हो, गांव गिराव हो, समाज हो, साहित्यिक संस्थाएं हो, चाहे जो हो, गायकी का क्षेत्र हो, वादन का क्षेत्र हो, जहां भी जाता हूं लोग बहुत सम्मान देते हैं। मैं सोचता हूँ ये मेरे पूर्वजन्म का कोई फल होगा, इस जन्म में तो अभी इतना बड़ा कोई काम नहीं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम आपसे एक ही निवेदन करना चाहेंगे कि अगर आपको लगता है ऐसे बुद्धिजीवियों का आपको साथ मिले, क्योंकि हमारी एक समय की बाध्यता है, हम आपको ज्यादा समय तक ये प्रोग्राम नहीं दिखा सकते, फिर हम मिलते रहेंगे और नई नई चीजें जानते रहेंगे। हम चाहेंगे कि अगर कभी आपको लगता है कि आपको ज्ञान लेना चाहिए तो आप जरूर मिलें। हमारे कृष्णावतार राही जी महिंद्रा कटरा है ज्ञानपुर में, वहां आप आएंगे, किसी से पूछेंगे आपका आवास है,
कभी भी किसी भी वक्त मिल सकते हैं। सरल और एकदम सरल स्वभाव के धनी हैं, नरम है एकदम, जब आप चाहें इनकी छांव ले सकते हैं, ऐसे पीपल के वृक्ष हैं। जय हिंद, जय भारत। फिर मिलेंगे एक नए मुद्दे के साथ। लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें तथा घंटी का बटन अवश्य दबाएं ताकि सभी वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। अपने आसपास होने वाली घटनाओं की जानकारी के लिए आप हमें नीचे लिखे नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। आप अपने आसपास होने वाली घटनाओं का वीडियो हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं।